नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर गौरी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। इटावा में सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जिला कारागार में बंद सपा नेता मनीष यादव पत्रे से मुलाकात करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का किसी धर्म से भावनात्मक लगाव नहीं है। भाजपा हर चीज की मार्केटिंग करती है, सनातन धर्म की भी मार्केटिंग कर रही है। तमिलनाडु के मंत्री ने कुछ बयान दे भी दिया है, तो भाजपा को दिक्कत क्यों हो रही है? पार्टी का किसी भी धर्म से भावनात्मक लगाव है ही नहीं, किसी धर्म में आस्था है ही नहीं, हर चीज की मार्केटिंग करते हैं। इसी प्रकार से ये सनातन शब्द की भी मार्केटिंग करते हैं। तो इस आशय में अगर केरल के मंत्री जी ने कुछ कहा है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? ये मार्केटिंग करें, ये मनमाना करें, ये देश की जनता की आंख में धूल झोंकें, धर्म के नाम पर आस्था से खिलवाड़ करें, वो अच्छी बात है। झांसी के इलाइट चौराहे पर राष्ट्रभक्त संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टेलिन के बेटे उदयनिधि का पुतला दहन किया गया। राष्ट्रभक्त संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जरिया ने बताया कि हिंदू संस्कृति का अपमान करने के विरोध में पुतला दहन किया गया है। इस बीच कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की नोकझोंक भी हो गई। तमिलनाडु सरकार में एक मंत्री हैं उदयनिधि, जो मंत्री बनने के पहले, विधायक बनने के पहले संविधान की शपथ लेते हैं कि संविधान का हम पालन करेंगे। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि यह देश धर्म निरपेक्ष देश है और सभी धर्मों को फलने फूलने का अधिकार इस देश के अंदर है। ऐसी स्थिति में दयानिधि के द्वारा हिंदू धर्म सनातन संस्कृति की तुलना डेंगू मलेरिया कोरोना जैसी बीमारियों से करके और ये कहना कि ये इनकी रोकथाम की जरूरत नहीं है, इस धर्म को मिटाने की जरूरत है। ऋषिकेश में भारी बारिश की वजह से बीते दिनों आपदाग्रस्त हुए परिवारों की मदद के लिए स्पर्श गंगा और माँ गंगा गोदाम सेवा ट्रस्ट ने हाथ आगे बढ़ाया है। संयुक्त रूप से दोनों संस्थाओं ने मिलकर 20 बीघा क्षेत्र में करीब 100 परिवारों को शेल्टर किट वितरित की है। स्पर्श गंगा अभियान की संगठन संयोजक सरोज डिमरी ने बताया कि आपदाग्रस्त परिवारों की मदद के लिए पिछले 10 दिनों से लगातार मदद की जा रही है। अभी देखा होगा आपने कि कितनी बड़ी आपदा आई है, लोगों के घरों में इतना पानी भर गया कि सारा सामान तहस नहस हो गया, लोगों के पास कुछ भी नहीं था, बल्कि लोगों ने रात जो है वो खुले में गुजारी है। तो इसको देखते हुए गंगा गोधाम है, ट्रस्ट है और हमारी स्पर्श गंगा माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी जो सांसद हैं, उन लोग वो उन्होंने सोचा कि जनता की किस तरह से सेवा करी जाए। पौड़ी में इस साल बरसात के कारण कई पुल धराशायी हुए हैं, जबकि कई पुल जर्जर हालत में है। लोक निर्माण विभाग अधीक्षण अभियंता ने जिले में 19 पुलों को असुरक्षित बताया है। वहीं धराशायी हुए पुलों को दोबारा से बनाने में लोक निर्माण विभाग जुट गया है। विभाग ने बजट की मांग को लेकर प्रस्ताव शासन को भेजा है। जो हमारा रोड सेफ्टी ऑडिट के तहत हमने कुछ असुरक्षित ब्रिज पाया गया था, जिसमें 19 ब्रिज पाया गया था, जिसमें कुछ वो ये था, इसमें से एक सुखरू ब्रिज हमारा सैंक्शन हो चुका है, जिसमें सुरक्षात्मक कार्य कराए जाने हैं। इसका बाकी अन्य जो एस्टिमेट है वो शासन को प्रेषित किया जा चुका है। इसमें एक पुल हमारा ये बड़कोल्लू पुल वर्ल्ड बैंक में स्वीकृत हो चुका है। इसमें रुद्रप्रयाग के जय बद्री केदार ज्वेलर्स में चोरों ने दुकान से सोने का सामान चोरी कर लिया, वहीं पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। दरअसल दुकान में 5 से 6 लोग सामान खरीदने के बहाने आए और करीब 30 से 40 हजार के सामान पर हाथ साफ कर लिया। वहीं दुकानदार का आरोप है कि पुलिस ने मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कल लगभग यहाँ पे 6-7 लोग आए थे, जिसमें से 4 लोग तो अलग डाइवर्ट कर रहे थे, 3 लोग अलग यहाँ पे सामान ले रहे थे। तो 2 लोग उधर बैठ के डाइवर्ट कर रहे थे और 3 लोगों ने चोरी करी यहाँ पे। सामान लगभग 4-5 हजार का लिया होगा और 2 जोड़ी टॉप्स चुराए उन्होंने। कहाँ गए आपने पुलिस को शिकायत की है? पुलिस को एप्लीकेशन रात को लेके गए थे तो उन्होंने हमें कैमरे दिखाए, एप्लीकेशन अब सबमिट करेंगे वो लोग। और बस अड्डे की तरफ दिखे वो जाते हुए, उसके आगे कोई कैमरे थे नहीं, बाकी कैमरे बैंक के हैं तो बैंक आज क्लोज्ड है, कल पता चलेगा। कासगंज में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से 1 किलो 920 ग्राम अवैध नशीला पाउडर डायजापाम और करीब 40 हजार रुपए की नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। कासगंज में डेंगू के कहर के चलते दर्जनों की तादाद में लोग बुखार का शिकार हो रहे हैं।
जिले के गंजडुंडवारा ब्लॉक क्षेत्र में डेंगू का कहर इस कदर बरपा है कि पिछले 10 दिनों में 8 लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में डेंगू बुखार के कारण हर घर में चारपाई पर मरीज पड़े हैं। गांव के लोगों की माने तो अब वो दहशत में है। यहां पर अब तक 8 मौत हो चुकी है। यहां शासन प्रशासन बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा है। यहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें आती है, उनके पास पैरासिटामोल होती है और उसके साथ में कुछ और दवाएं होती है जो कि कारगर नहीं है। तो मैं डीएम साहब और सीएमओ साहब से मांग करता हूं कि यहां पर प्लेटलेट्स कम हो जा रही हैं। गोरखपुर पुलिस को एक बार फिर से टप्पेबाजी और ठगी का शिकार करने वालों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने एक ऐसी गिरोह का पर्दाफाश किया है जो रुपए की लालच में अधेड़ उम्र की महिलाओं को शिकार बनाकर उनसे उनके गहने लूट लिया करते थे। इस गिरोह के 4 सदस्यों सहित एक महिला सदस्य को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है जो गिरोह के सरगना की पत्नी है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में थाना कैंट को एक अच्छी सफलता मिली है जिसमें उन्होंने एक टप्पेबाजों की एक गैंग का पर्दाफाश किया है। इन लोगों ने 26 तारीख को थाना एम्स में और 31 तारीख रक्षाबंधन के दिन यहाँ थाना कैंट क्षेत्र में एक महिला को बहला फुसलाकर उसके गहने ले लिए थे। महोबा में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है जहाँ दबंगों ने मोबाइल शॉप में घुसकर दलित युवक और दुकानदार से मारपीट की। वहीं पीड़ित का आरोप है सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस ने उल्टा पीड़ित के खिलाफ ही कार्रवाई की है जिसको लेकर पीड़ित ने एसपी से शिकायत की है। पीलीभीत के गांव रघुनाथपुर के पास हाईवे पर सामने से आ रहे ट्रक को बचाने के चक्कर में स्विफ्ट डिजायर कार पुलिया से टकरा गई। वहीं सीएनजी किट लगी कार में अचानक आग लग गई। कार में अचानक आग लगने से राहगीरों में हड़कंप मच गया। किसी तरह कार चालक को कार से बाहर निकाल लिया गया। ये गाड़ी ट्रक वाले ने साइड दबाई, पुलिया में एकदम गाड़ी लगी, मेरी गाड़ी में आग घुसते ही पुलिया में एकदम से आग लग गई इसमें। आप कहाँ से आ रहे थे? मैं धर्मंगतपुर मोहते में से आ रहा था, लोधीपुर से। कहाँ के रहने वाले? मैं पीलीभीत का रहने वाला हूँ। क्या नाम है? माजिद। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।